बड़वानी जिला मुख्यालय के मुकाबले सेंधवा नगर पालिका के प्रथम स्थान पर आने को लेकर बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सर्वेयरों पर बड़वानी नपा से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नपा अध्यक्ष ने कहा कि गर्व की बात है कि जिले की 3 नपा ने प्रदेश में टॉप 5 में जगह बनाई है, लेकिन इसमें बड़वानी के साथ भेदभाव हुआ है। नपा अध्यक्ष ने कहा कि बड़वानी नपा द्वारा स्वच्छता को लेकर बेहतर कार्य किया है, हाईटेक सुविधा घर बनवाए हैं, ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे का प्रबंधन, प्लास्टिक के गट्टे, गीले सूखे कचरे की खाद बनाकर बेचने आदि ऐसे कार्य किए हैं और संसाधन जुटाए हैं जो जिले की अन्य नगर पालिका में नहीं है। ऐसे में सर्वेक्षण में बड़वानी को जिले की अन्य नपा के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान की उम्मीद थी, परिणाम संतोषजनक नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अगर बगैर भेदभाव के सर्वे किया गया होता तो बड़वानी नगर पालिका परिषद आज 5वीं की जगह नंबर 1 की पोजिशन पर होता। बड़वानी नगर पालिका परिषद की स्वच्छता सर्वे में मध्य प्रदेश में 5वीं रैंकिंग आई है और ऑल ओवर इंडिया में 28वें नंबर पर नगर पालिका परिषद बड़वानी की रैंकिंग है। मैं इस अवसर पर बड़वानी नगर पालिका के समस्त रहवासियों ने जो हमें सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से ही हम इस रैंक पर आए हैं, अन्यथा हम ये संभव नहीं था। मैं पुनः नगर पालिका परिषद बड़वानी की ओर से नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही मेरा ये आरोप है, अगर सही प्रकार से रैंकिंग हुई होती, सही प्रकार से अगर परीक्षण हुआ होता तो बड़वानी 1 नंबर पे होती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो सर्वे किया गया है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश के द्वारा जो सर्वे किया गया है वो ठीक नहीं किया गया है, भेदभाव किया गया है। अगर सही सर्वे होता तो बड़वानी नगर पालिका परिषद 1 नंबर पे होती। सेंधवा को लेकर क्या कहूँगा? देखिए, अब मैं सेंधवा के बारे में क्या बोलूँ, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर सही रैंकिंग होती तो बड़वानी नगर पालिका 1 नंबर पे होती। देखिए, बड़वानी नगर पालिका ने जो शौचालय बनाए हैं वो कहीं पर भी मध्य प्रदेश में आपको इस प्रकार के शौचालय नहीं मिलेंगे। साथ ही हमने जो ट्रेंचिंग ग्राउंड पर व्यवस्थाएँ करी है, पन्नी को पीस कर गट्टे बनाना, इसके अलावा खाद बनाना और बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं जो अन्य नगर पालिकाओं में नहीं है। जिसकी रैंकिंग सही नहीं हुई, हमें उनके मार्क नहीं मिले, वो मार्क मिल जाते तो निश्चित रूप से बड़वानी नगर पालिका परिषद 1 नंबर पे होती। रैंकिंग से संतुष्ट नहीं हो? देखिए, रैंकिंग से मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि सही सर्वे नहीं हुआ। जो सर्वे करने वाले लोग थे उन्होंने भेदभाव किया। अगर सही सर्वे होता तो निश्चित रूप से बड़वानी नगर पालिका परिषद 1 नंबर पे होती। इसको लेकर कोई आपत्ति जताने जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा तो प्रयास ये रहता है कि अगली बार हम 1 नंबर पे आए, ऐसा प्रयास रहेगा और हम मांग करेंगे कि सही सर्वे हो, सही व्यक्ति को यहाँ सर्वे करने भेजे और सही व्यक्ति सर्वे करेगा तो निश्चित रूप से बड़वानी नगर पालिका परिषद 1 नंबर पे आएगी। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।